हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जिलेस्पी एंड नाइहॉलम इन 1957 टू प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन विच द एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। ओके, तो ये थ्योरी जो है जिलेस्पी और नाइहॉलम ने 1957 में दी, क्यों? ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके शेप्स उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें कि हमारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड थे और एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे थे। ओके, उन मॉलिक्यूल्स के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी ताकि हम उनकी शेप पता लगा सके कि उनकी शेप किस तरह की होती है। इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय शेयर्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल, हमने इससे पहले भी बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स देखे। जब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि किस तरीके से एटम्स होते हैं और उनके ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडेड होता है बाय शेयर्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन अनदर एंड एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल टेंड्स टू बिकम अनस्टेबल। ओके, तो क्या होता है, जैसे हमारा ये एटम है मिथेन का। ओके, तो इसमें जो है सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, CH4 है तो चार हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा हुआ है। आपको पता है कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, तो कार्बन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है और इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप अमोनिया में देखें, यहाँ पर ऑल शेयर्ड पेयर्स, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड हैं। ठीक है, सभी शेयर्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो शेयरिंग नहीं कर रहा या फिर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन NH3 जो कि हमारा अमोनिया है, 3 शेयर्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, तो जो अमोनिया है, मैंने इससे पहले भी आपको इसका, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझाया था। हमने देखा था कि का नाइट्रोजन है, उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से कि वो 3 यूज कर लेता है शेयरिंग में 3 हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन भी एक एक दे देंगे, नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके 3 यूज हुए हैं, बाकी के 2 रह गए हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया है जिसको कि हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा जो सेंट्रल एटम है, दैट इज नाइट्रोजन, इज सराउंडेड विथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका फ्री है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हैं, दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों ही, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो बहुत बड़ा रहता है और ये क्या करते हैं, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं। ठीक है, हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि कौन किसको ज़्यादा रिपेल करेगा, वो हम इसका भी ऑर्डर देखेंगे। 1 by 1 डिस्कस करते हैं सभी पॉइंट्स को, फिर इसका ऑर्डर देखते हैं। तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रिपेल करेंगे तो जो मॉलिक्यूल है टेंड्स टू बिकम अनस्टेबल। अब रिपेलिंग हो रही है तो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल हो जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या कर रहे थे, सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको असाइन कर देते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग बता देते थे कि हाँ इस तरीके से कुछ हुआ होगा। लेकिन वसेपर थ्योरी ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 तरह के हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें कुछ रिपेलिंग भी होगी क्योंकि आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा रहता है और वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और जिस वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से दर्शाना पड़ेगा, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा ताकि इनके बीच की जो रिपेलिंग है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो सके। तो इसके लिए हमें ज्योमेट्री बनानी पड़ी। ठीक है, तो हमने देखा कि ज्योमेट्री या शेप क्या है, उन्होंने क्या दी, शेप्स दी मॉलिक्यूल्स की कि हाँ इस मॉलिक्यूल की शेप ऐसे होगी और इस शेप में ये स्टेबल रहेगा, और इनकी ज्योमेट्री भी होती हैं, रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्रीज। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्शन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डायरेक्टेड इन सच अ वे दैट दे आर
एज अपार्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए या इतने इतना इतना इनके बीच में गैप छोड़ा जाए ताकि ये जो है एक दूसरे को रिपेयर ना करें और रिपल्शन जो है थोड़ी मिनिमाइज हो सके और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो सके। दिस मीन्स दैट अ कोवलेंट मॉलिक्यूल हैज अ ज्योमेट्री ऑफ इट्स ओन। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सभी की अपनी एक ज्योमेट्री है कि किस ज्योमेट्री में वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। सिंस द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफर इन द नेचर एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो हमें पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफर होते हैं नेचर में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। दे हैव देयरफॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज एज वेल एज शेप्स, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप्स अलग अलग बात है, ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है। Thus, it is quite clear that the geometry and the shape of a covalent molecule to a large extent depends upon the force of repulsion in the electron pairs around the central atom. तो यहाँ से हमें एक आइडिया बहुत क्लियर मिल पा रहा है कि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी रिपल्शन पर। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कितनी है उस हिसाब से हमारा जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ओके। कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड में है, किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं, शेयर्ड पेयर हैं, उनके बीच में रिपल्शन कितनी है, वो सारी चीज़ें ज्योमेट्री को देंगे। और ये सभी मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका नेचर भी डिफरेंट रहता है। द मेन फीचर ऑफ वसेपर थ्योरी आर लिस्टेड। नंबर वन, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस करा शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कौन कौन से बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। बॉन्डेड हुए जो कि हमारे कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, नॉन बॉन्डेड हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नंबर टू, द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम टेंड टू रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों करते हैं ये एक दूसरे को रिपेल जो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी वजह से हमने आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में भी, लेकिन आपने करा होगा स्टडी कि एटम में किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन ना हो, और जहाँ पर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में इस वजह से रिपल्शन नहीं हो पाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको स्पेस दिया गया है और शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स में, और उन शेल में एक डेफिनेट आपके पास नंबर है कि इतने इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएंगे, ठीक है, इस वजह से उनकी रिपल्शन नहीं हो पाती। अब हमने तो यहाँ पर एकदम से अरेंज कर दिया इकट्ठा, तो इनके बीच में तो रिपल्शन होगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्पेस टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजिशन दैट दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एंड द रिपल्सिव इंटेक्शंस आर मिनिमम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कुछ ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा या उनको ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करना होगा ताकि उनकी पोजीशन जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाए और ये जो रिपल्शन है वो कम हो सके, मिनिमम हो सके। नंबर फोर, अ मल्टी बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कंस्टिट्यूट द बॉन्ड मे बी रिकॉर्डेड एज सिंगल पेयर्स। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट में, आपको यही बताया गया है कि दो जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा, अगर चार इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास मल्टी बॉन्ड बनेगा, यानी कि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें बताया गया है कि इस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर विच कंस्टिट्यूट द बॉन्ड में भी रिकॉर्डेड एज सिंगल पेयर्स, ठीक है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, सिंगल पेयर बोलेंगे, मतलब कि वो एक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वी हैव लर्नड दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व द बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स और शेयर्ड पेयर्स
वेल दोज नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस करा कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है हमारे बॉन्ड या शेयर्ड पेयर्स, और जो नहीं वो है हमारे लोन पेयर्स। नाइहोलम एंड जिलेस्पी स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एग्जिस्टिंग एज लोन पेयर्स कॉज ग्रेटर रिपल्सिव इंट्रैक्शंस एज कम्पेयर टू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो इन दोनों ही साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेटर रिपल्सिव इंट्रैक्शन को बताते हैं देन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इन द लाइट ऑफ दिस द रिपल्सिव इंट्रैक्शंस फॉलो द ऑर्डर। तो इस बात की पर फोकस करते हुए उन्होंने हमें कुछ ऑर्डर बताया इंट्रैक्शन का, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस का। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगी वो होंगी लोन पेयर की, फिर होंगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, फिर सबसे कम होंगी बॉन्ड पेयर की। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है वो सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा होगी लोन पेयर की, और मीडियम में कौन रहेगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है क्योंकि जिस जैसे जैसे रिपल्शन होती है वैसे ही जो ज्योमेट्री है वो उसका हमें पता चलता है। क्योंकि क्या होगा, लोन पेयर अगर साथ में दो लोन पेयर हो गए हमारे, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में होता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसमें दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर हो जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पर भी इन सभी चीज़ों पर हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी शेप डिपेंड करती है और ज्योमेट्री डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतनी ही ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, इरेगुलर हो जाएगी। और एक हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बॉन्ड पेयर की क्यों सबसे कम रिपल्शन होती है, वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कुछ फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पर और एक वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो एटम हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉन्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोन पेयर में वो फ्रीली प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, रिपेलिंग करेंगे, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगी उनके बीच में, और इस वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसको स्टेबल करने के लिए जितना जितना उनकी रिपल्शन होंगी उतनी उतनी दूरी में हम उनको इस तरीके से अरेंज कर देंगे ताकि इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा हो जाए और रिपल्शन भी मिनिमाइज हो जाए, और उस हिसाब से फिर उस स्टेज में हम देखेंगे कि हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ पर आया, तो उस तरीके से हम फिर उनको अरेंज करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि हाँ इसकी ज्योमेट्री ये है और इसकी ज्योमेट्री ये है, रेगुलर है या इरेगुलर है और शेप किस तरीके की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्रीज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।